टैक्सी टैक्सी सर, टैक्सी चाहिए क्या सर? किधर जाना है? धालिम चौक। 200 रुपए। नजदीक तो है ना भैया? दूर से मतलब नहीं है बाबूजी, गैंग जितना बोलेगा उतना। नहीं चाहिए। क्या रे, खरीदी करने के बाद गाड़ी नहीं चाहिए तो भी पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा निकाल में। सर इनसे लफड़ा मत कीजिए, पैसा दे दीजिए। क्या रे, अकेली सिर्फ बच्ची को लाया है, इसकी माँ किधर है? नहीं आई, भाग गई। ए, पूरी बात तो बता के जा। इसके साथ गई, हम लोग नहीं थे क्या? मैं अभी आता हूँ, तू यहाँ बैठ के गाना सुन। ठीक है पापा। क्या रे, वापस क्यों आया? अर्जेंट सर, इमीडिएटली आ जाऊंगा सर। चल उठ के खड़ा हो, चल चल, पहन पहन कपड़ा, बोला ना कपड़ा पहन, कह रहा हूं कपड़ा पहन पहन, चल पैसा निकाल, इसमें से एक भी पैसा तेरा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जिनका पैसा उसे दे दो। ठीक है भैया। क्या रे, समझ में आया? दोबारा दिखा तो काट दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, राजीव पटेल नगर SI, वेलकम टू देवगढ़। सेम हियर। ये क्या सर, आप पूरा काम खुद ही कर रहे हैं? अगर बता देते तो हम सब आ जाते ना। अब तो आदत पड़ गई है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मानती। हेलो मानती। सर सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रेन लेट आएंगी करके बोला इसलिए मैं लेट हो गया। चलेगा, बैठो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सर बच्चे को दूध पिला दो क्या? मैं पिला दूंगा। वो क्या सर, बच्ची को ही लाए, मैडम नहीं आई। She is no more. Sorry, sir. It's okay. Papa, school का time हो गया। बहन को बाल बनाना नहीं आ रहा। आओ ना पापा। तुम इधर क्यों? मानती, तुम्हारी पत्नी? Oh, sorry. बिना माँ के बच्चों के साथ कैसा होता है मुझे मालूम है। सब हमें देखना पड़ेगा। जाओ। मेरी माँ मरी नहीं है, वो जिंदा है। बाबूजी की कब से मिली?
अरे कौन हो तुम? तेरा बाप। अरे बाप रे, ये जो मर गए। कौन है रे तू? एक फोन करूंगा तो एक मिनट में तेरी ट्रांसफर हो जाएगी, उससे पहले तो यहां से चला जा। पुलिस का ट्रांसफर होगा तो पुलिस स्टेशन के अंदर, पोस्ट ऑफिस में नहीं। राठौर, ट्रांसफर ऑर्डर टाइप होने के पहले मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर दूंगा। ए, सब गेट बंद करो। भाभी तुम जाके गाड़ी में बैठो। पुलिस वाले की बीवी पे हाथ डालने का क्या अंजाम होता है मैं तुझे दिखाता हूँ। जल्दी गेट खोलो, मेरा बेटा मर जाएगा। खोलो। मैं आ गया हूं ना, अभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं तो यह मिनिस्टर सीट बेकार है। माफ कीजिए, मैंने डीजीपी को भी आने को लेकर दिया। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना बाबूजी? अगर आपने टिटला को बुला लिया तो वो आकर पूरे शहर को जला देगा, तो फिर समझो मेरी कुर्सी दर दर हिल जाएगी। बाबूजी मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे को छुड़ा लाऊंगा। आ गए। नमस्ते सर। तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं? यहां इतना हंगामा हो गया और तुम हो कि घर पर बैठे लाठी घुमा रहे हो। लाठी को काम में लाए हुए बहुत दिन हो गए सर। गांव में कुछ भी होगा तो देख के भी अनदेखा करना, ऐसा आपका कहना है, इसलिए तो हाथ पे हाथ धर कर बैठा। बात मत करो, शहर अलग बाबूजी अलग। बाबूजी मतलब इस शहर का राजा, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया। किसने किया, कौन है, बताते क्यों नहीं? नया आया एसीपी है सर, विक्रम राठौर। बात मत करो, वैसे आदमी को भला यहाँ तुमने क्यों बुलवाया, बताते क्यों नहीं? मैं क्यों बुलाऊंगा सर, रेगुलर ट्रांसफर पे आया। बात मत करो, ट्रांसफर क्या, तुम्हें बगैर बताए किया होगा, उसका मतलब तुम ऑफिस में सोते रहते हो क्या? इतना बड़ा हंगामा हो गया, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो बोलो। मैं इंक्वायरी करूंगा। बहाने मत बनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सारे के सारे पुलिस वाले आजकल बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हो। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, तुम्हें दोपहर तक का टाइम दे रहा हूँ। बाबूजी के बेटे को रिहा करा कर लाओ, ऑफिसर को लो बाबूजी का कर पैर पकड़े, समझे? बात करूंगा सर, चलता हूँ। बस बस अभी से काम पे लग जाओ।